उनको किसने अधिकार दे दिया कि बेवजह कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता और बीजेपी के नेताओं के कहने से उनके खिलाफ मुकदमे कर दे। प्रमोद जैन भाया के 107-16 का इस्तगासा नहीं है। इस आईजी ने बेजा दखल दे करके 9-9 मुकदमे कर दिए। 9 के अंदर मिट्टी तालाब से खोद के ले गए, प्रमोद जैन भाया मुलजिम है। अनाज मंडी के अंदर बारदाना इधर उधर हो गया, प्रमोद जैन भाया ने मंत्री रहते हुए करवा दिया। 9-9 मुकदमे कर दिए, कोटा में कर दिए। और ताज़ा उदाहरण तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली और मैं सर्किट हाउस में बैठे हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा करवा रहा है और रात को 10 बजे करा रहा है। घटना 2 बजे की और रात को 8 घंटे बाद में 10 बजे आईजी एसपी और नीचे के तमाम पुलिस के लोगों को कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, आपको मुकदमा करना पड़ेगा। और एक घटना के 2 मुकदमे किसने अधिकार दिया उस आईजी को? उसको क्यों नहीं कहेंगे हम? गलत करेगा तो कौन नहीं कहेगा बताइए? अरे ये तो यहाँ सड़कों पे नौटंकी करते थे बीजेपी वाले। तो हमने तो यही तो कहा है कि आप ईमानदारी से कानून के मुताबिक काम कीजिए। इन्होंने प्रमाण दे दिया कि मैं कानून के मुताबिक नहीं करूंगा, मैं तो बीजेपी का चोला पहन करके बीजेपी जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करूंगा, जिसका ताजा उदाहरण है एक इंसिडेंट की 2 FIR और उसमें जानबूझ करके गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और अन्य के ऊपर मुकदमा में नाम देना और किसी तरह की कोई वॉयलेंस नहीं हुई वहां, किसी तरह की कोई वॉयलेंस नहीं, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी तरह का कोई मुक्का नहीं मारा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसके बावजूद जानबूझ के मुकदमा दर्ज कर दिया। और इसलिए कि एक तो CID CB में चला जाएगा तो इसलिए दूसरा मुकदमा वहां के लोकल नेताओं को प्रेशर में रखने के लिए मैं दूसरा मुकदमा कर दूं। ये कोटा IG है, तब कोटा में ही हुआ है क्या ये सब? कहां फुहारे नहीं छूटते, कहां प्रदर्शन नहीं होते? 5 साल तो इन्होंने किए ही, यही नौटंकियाँ की थी, प्रदर्शन ही किए थे, और अब हम 5 साल ही करेंगे तो फिर तो हम तो 500 अगर मान लीजिए 100 प्रदर्शन करेंगे तो 100-100 मुकदमे खाएंगे इसकी वजह से। ये कौन सा तरीका आप बताइए? और करो ना गिरफ्तार, कौन मना कर रहा है? गोविंद डोटासरा यहीं बैठा है ना, इसने किया ना मुकदमा दर्ज, तो भजनलाल सरकार में दम है तो करे। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे कल जाते आज देना फांसी की सजा, इनको जो करना जो करे ना। तो ये तो प्रमाणित कर रहा है कि मैं तो बीजेपी का जो है चोला पहन करके काम कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत हो तो कर लो, मैं तो करूँगा। मेरी 8 घंटे बाद में मुकदमा कैसे दर्ज हुआ आप बताओ? आपके साथ कोई घटना हो जाए, आप 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा और वही पुलिस का आदमी पुलिस को रिपोर्ट दे रहा है, CI को रिपोर्ट दे रहा है, जो CI उसके साथ में है, SP वहाँ पर खड़ा है और उनको 6 घंटे 8 घंटे बाद में प्रेशर में लेकर के अरे मेरे को तो मुकदमा दर्ज कराना है, ये कोई तरीका है क्या? तो उसको नहीं कहेंगे तो क्या उसको लड्डू खिलाएंगे?